गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम चित्रा मैम। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर संज्ञा ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऑफ क्लास 7। बच्चों, जैसा कि अभी तक आप लोग ने पढ़ा संज्ञा, अभी मैंने जो पहले पार्ट में पढ़ाया था पार्ट 1 में आप लोग को कि संज्ञा किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम पड़ गया किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को, वायु के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होते हैं जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी जाति का, समुदाय का बोध कराया जाता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, फल, सब्जी, ये सब जातिवाचक संज्ञा में आती है। अब इसके बाद आता है तीसरा, होता है भाववाचक संज्ञा। इसमें किसी भी चीज़ का भाव बताना, जैसे कि उसके गुण, दोष, ये सब बताना, वो होता है भाववाचक संज्ञा, कि कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, ये सब। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब इसके आगे हम आपको बता रहे हैं कि पार्ट 2 में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। अब जैसे कि हम आपको बताते हैं जातिवाचक संज्ञा से यदि हमको भाववाचक संज्ञा में करना होता है तो कैसे। जातिवाचक संज्ञा क्या हुआ? मित्र। और भाववाचक संज्ञा में क्या है? मित्रता। क्यों? इसमें हमको उसका गुण बताना है कि मित्र का क्या गुण हुआ, मित्रता। माता का, स्त्री का, व्यक्ति का, कवि का, इस तरह से हमको यदि किसी भी चीज़ का गुण बताना होता है तो वह भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। जैसे डाकू, डाकू का क्या हो जाएगा? डकैत। क्यों डाकू को डकैत कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो डकैती करता है, इसलिए उसका भाव। वीर, यदि कोई वीर पुरुष है तो उसको क्या कहेंगे? वीरता, इसका वीरता। इसी तरह चोर का क्या हुआ कार्य? चोरी। इस तरह से इसको जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदल देते हैं। जैसे सर्वनामों से भी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, भाववाचक बनाते हैं। जैसे अपना क्या हुआ? अपनापन। आप, आपा। निज, निजता। अह, अहंकार। जब किसी चीज़ में आ जाता है तो यह भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। विशेषणों से, विशेषण क्या होता है? किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। जैसे हरा, कोई चीज़ हरा है और बाहर जब हम लोग घास देख रहे हैं वो क्या हुआ? हरियाली। क्या कहेंगे? हरियाली। मीठा विशेषण है और मिठास भाववाचक हो जाएगा। भला, कोई भला इंसान है तो उसका भाव क्या हुआ? भलाई। वो क्योंकि अच्छा काम करता है, उसकी भलाई, ये उसकी विशेषता हो जाती है। अच्छा, अच्छाई। भयानक, भय। भय क्योंकि डरा हुआ। कठिन, कोई कठिन कार्य कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? बड़ी कठिनाइयों से ये कार्य हो रहा है, उसका भाव क्या दिखाएंगे? कठिनाइयाँ। जब किसी को बहुत कठिनाइयों से कार्य होता है तो वो होता है भाववाचक संज्ञा। अब क्रिया से यदि हमको भाववाचक संज्ञा बनाना होता है तो क्या करते हैं? उड़ान, उड़ना, उड़ना का हो जाएगा उड़ान। फैलाना, फैलाओ। लेना देना, लेन देन। रोकना, रुकावट करना या रुकाना। मिलाना, मिलावट। पीटना, पिटाई करना। धोना, धुलाई करना। चमकाना, चमक। इस तरह से क्रिया को भी भाववाचक संज्ञा में बदल देते हैं। अब अव्यय शब्दों को भी भाववाचक में बदलते हैं। अव्यय शब्द क्या है? जैसे ऊपर, तो ऊपरी। जैसे वह ऊपर, ऊपरी सतह पे है, इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से बोलते हैं। दूर, वह बहुत दूरी पर खड़ा है, इसको भाववाचक संज्ञा में बदल देते हैं। निकट, आज वो मेरे निकट आया, वह आज वह मेरी निकटता पे था। माना, मनाई। वह, वाहवाही। इस तरह से आपको समझ में आया संज्ञा क्या है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा को, किसी भी भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार में बदले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा को बदलते हैं। दूसरा होता है आपका सर्वनाम शब्दों को बदलते हैं। तीसरा विशेषण शब्दों को बदलते हैं। चौथा क्रिया शब्दों को बदलते हैं। और पाँचवा अव्यय शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदला जाता है। थैंक यू एवरीवन।